तो हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी ऊना से सामने आ रही है। ऊना में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, ऊना में एक बार फिर से कोरोना का कहर लगातार जारी। एक हफ्ते में कोरोना के 400 केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब जिले में 522 मामले सक्रिय है, यानी कि 522 मामले ऊना जिले में एक्टिव है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और उनमें से सबसे पहले पायदान पर नंबर वन पर ऊना जिला है। सबसे ज्यादा कोरोना का कहर ऊना जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर से लगातार बढ़ते जा रहा है। बुधवार को प्रदेश में कुल 328 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1654 पहुंच चुकी है और दो लोगों की मौत भी हुई। दो लोगों की मौत के बाद अब इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1014 तक पहुंच चुकी है। वहीं ऊना में सबसे ज्यादा 110 मामले सामने आए। साथ ही हमीरपुर में वृंदावन से लौटे 11 तीर्थयात्रियों के कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि हरिद्वार में कुंभ मेले से भाग लेने के लिए अब श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। और आपको यह भी बता दें कि अब 58,615 संक्रमित लोग अभी तक फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ठीक हो चुके हैं। और सभी जिलों की अगर बात की जाए तो बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 57, चंबा में 7, हमीरपुर में 129, कांगड़ा में 329 और किन्नौर में 7, लाहौल स्पीति में 1, कुल्लू में 20, मंडी में 63, शिमला में 154, सिरमौर में 57, सोलन में 228 और ऊना जिले में 522 है। यानी कि संक्रमण की चपेट में पहले पायदान पर ऊना जिला है और सबसे कम प्रभावित जिला लाहौल स्पीति है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा फैसला करेगी तो इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मौके पर फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ताज़ा आंकड़े क्या कुछ है राजधानी शिमला के? बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात करें तो क्योंकि देर शाम जो है 7 बजे के आसपास मीडिया बुलेटिन जो है वो जारी किया जाता है और कल देर शाम तक जिस तरह से आंकड़े बताते हैं तो अब जो एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में है वो 1654 लोग जो है वो पूरी तरह से संक्रमित हैं कोरोना वायरस से। और ऐसे में जो नए केसेज हैं, क्योंकि कल जिस तरह से हमने दिन में भी बताया था 2 बजे के जो मीडिया बुलेटिन था उसमें आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे थे, वहीं अब जो आज के जो आंकड़े हैं, अब तक जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो 159 लोग जो हैं वो नए केसेज अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसे में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी 1014 पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो कल एक अहम बैठक जो है वो COVID-19 को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसके साथ बैठक करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में यही है कि जो जिस तरह से सख्ती की अगर खास तौर पर बात करें तो सख्ती होना लाजमी है। ऐसे में अगर संक्रमण का खतरा कम नहीं होता तो आने वाले दिनों में सरकार जो है वो कई और अहम निर्णय जो है इस बाबत ले सकती है। ऐसे में लॉकडाउन और इस तरह की जो परिस्थितियां जिस तरह से पिछले साल बन गई थी, आज के समय में अगर ये आंकड़े कम नहीं होते हैं तो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से भी निपटने के लिए सरकार जो है वो मूड बनाकर बैठी है कि और सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। ऐसे में जो लगातार संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, कई ऐसे जिले हैं जिनमें आंकड़ा जो है वो अब काफी ज्यादा जो है वो लोग संक्रमित वहां पर पाए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर ऊना जो है वहां पर सबसे ज्यादा मामले अब रिकॉर्ड किए गए हैं। और ऐसे में अगर हम बात कांगड़ा की करें तो कल कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आए थे। निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर है और ऐसे में कैबिनेट की एक बैठक जो है वो 27 तारीख को सुनिश्चित की गई है कि 27 तारीख को एक कैबिनेट की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। और उस कैबिनेट की मीटिंग में भी
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन जो है वो रखी गई है कोविड 19 को लेकर, और उसमें यही सब कुछ जो है वो निर्णय जो है वो इस बात पर भी लिया जा सकता है कि अब जिलों की क्या हालत है, जिलों में किस तरह से संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, आखिरकार किस तरह के कदम जो है वो उठाए जाने हैं, इसको लेकर विस्तृत जानकारी अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो साझा करेगा मुख्यमंत्री के साथ। तो निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है, और कांगड़ा जिले की अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिले में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल महिमा, मैं कांगड़ा की बात करूं तो कल जो था बड़ी चिंता, कल दिन जो है वो अच्छा नहीं रहा, लगभग 63 मामले जो है वो जिला कांगड़ा में आए हैं, जो संख्या 300 तक पहुंची नजर आ रही थी वो आज की डेट में अगर बात करें तो 400 के आसपास जो है वो 300 से ऊपर चली गई है संख्या, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 63 मामले जो है जिला कांगड़ा में आए थे। ये सब हालात जो है इनके ऊपर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है वो नजर अभी बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी तक वही SOPs वही जो दिशा निर्देश हैं जो पूरे स्टेट में चल रहे हैं वही जिला कांगड़ा में चल रहे हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और उनका कहना यह है कि अगर किसी तरह की ज्यादा बढ़ोतरी अगर जिला कांगड़ा में होती है तो उसके हटके भी जो है यहाँ पर पाबंदियां जो है वो लगाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जिला प्रशासन जो है वो सारी चीजों को वॉच आउट कर रहा है, पूरा नजर उस पर बनाए हुए है कि अगर ज्यादा मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जा सकती है। जी महिमा जी अनूप, जिस तरह से एक समय ऐसा था जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे थे और अब देखते ही देखते आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है, यानी कि साफ तौर पर लोगों की लापरवाही यहां पर देखी जा सकती है और लोगों को यहां पर सावधान रहने की जरूरत है, और अगर लोग सावधान नहीं रहे तो मामले लगातार बढ़ते जा सकते हैं और भी ज्यादा। अनूप बिल्कुल बिल्कुल महिमा, सबसे अहम बात है ये लोगों की लापरवाही जो है ये सबसे अहम बात है, क्योंकि जब भी हम बाजार में जा रहे हैं हम तो बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, सो सरकारी अस्पताल हैं, वहां भी लोग जो हैं वो बिना मास्क के जो हैं वो उन अस्पतालों में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बड़ी लापरवाही जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछले साल जब लॉकडाउन ये शुरू हुआ था तब लोग जो थे बहुत सतर्क थे, घर से नहीं निकल रहे थे या निकल भी रहे थे तो सैनिटाइजर मास्क और ये सब चीजें जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी ये देख जा रहा है कि अभी कुछ समय में जब जनवरी और फरवरी में जब केसेस में कमी आई थी तो तब से लोगों ने इस तरह से निकलना शुरू किया था, मास्क अभी भी लोग नहीं लगा रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक बात है, सैनिटाइजर तो बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गया है, तो ये सब चीजें जो है जब तक लोगों की नेग्लिजेंसी खत्म नहीं होगी केस कहीं कम नहीं होंगे, और ये लोगों की नेग्लिजेंसी लगातार जारी रही महिमा तो आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है उनको लॉकडाउन का जो है वो लॉकडाउन से गुजरना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है, और लोग अगर नहीं समझेंगे तो लॉकडाउन की तरफ हम जरूर बढ़ जाएंगे। जी अनूप, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर लोग लापरवाही बरतते रहेंगे तो इसी तरह से मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनूप धीमान, और विकास शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब देखते ही देखते आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरमौर में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। जिले से लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 15 अप्रैल तक 60,000 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि जिले में अभी तक 15,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जिनमें से फ्रंट लाइन वॉरियर्स को और कोरोना वॉरियर्स और वरिष्ठ भी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पराशर ने जिले के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए जागरूक करने की बात भी कही। वैक्सीनेशन का जो कैंपेन हमारा चला हुआ है, एक तो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और साथ में ये कोमॉर्बिड 45-59 और +60, तो ये हम चारों इसमें कवर कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक हमारे पास 25,866 के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दिया है इन लोगों का, और जो +60 वाले हैं इसमें से भी लगभग हमारे पास 10,945 के करीब हमने वैक्सीनेट कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि 15 अप्रैल तक हम फर्स्ट डोज इन लोगों को लगा दें, और उसके बाद जैसे भी ऊपर से जैसे भी गाइडलाइन आती है, जैसे 45 के बाद भी हमने वैक्सीनेशन शुरू करना है तो 1 अप्रैल के बाद वो भी हम इस वैक्सीनेशन को हम शुरू कर देंगे।